तो अभी तक आपने जो भी कंसेप्ट पढ़ा है उस पर बेस एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको गिवन है कि एक लाइन का स्लोप किसी दूसरी लाइन के स्लोप से डबल है और दोनों के बीच का जो एंगल है वह 1/3 के इक्वल है और आपको उन दोनों लाइंस का स्लोप निकालना है। तो चलिए अब इसके सॉल्यूशन को हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन के स्लोप को m1 मानते हैं जिसको हमने m के इक्वल रखा है और सिमिलरली हम दूसरी लाइन के स्लोप को m2 मानते हैं जो कि इक्वल हो जाएगा 2m के क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन है कि जो एक लाइन का स्लोप है वह दूसरी लाइन के डबल है और हमें क्वेश्चन में गिवन है कि दोनों लाइंस के बीच का जो एंगल है वह 1/3 है। तो हम यहाँ पर इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं जिसमें हमने देखा था कि जो टैन थीटा है वह इक्वल होता है मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1+m1m2 के और हमें यहाँ पर टैन थीटा की वैल्यू गिवन है 1/3। तो अगर हम इन सभी वैल्यू को इस फॉर्मूले में सब्सिट्यूट करें तो हमें मिलेगा 1/3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2m माइनस m अपॉन 1+m(2m) जिसको हम अगर फर्दर सॉल्व करें तो हमें मिलेगा 1/3 इज इक्वल टू मॉड ऑफ m अपॉन 1+2m² और हमने यह पढ़ा था कि हमें मॉड में दोनों वैल्यू को कंसीडर करना होता है पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो एक वैल्यू हो जाएगी 1/3 इज इक्वल टू m अपॉन 1+2m² एंड दूसरी वैल्यू हो जाएगी 1/3 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m अपॉन 1+2m². तो सबसे पहले हम केस 1 की बात करते हैं जब 1/3 पॉजिटिव ऑफ m अपॉन 1+2m² के इक्वल है। तो इसको हम आगे कुछ इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं जहां से हमें m की वैल्यू मिलेगी 1 एंड 1/2 और इसी तरीके से हम दूसरे केस को भी सॉल्व कर सकते हैं जहां पे 1/3 इक्वल होगा माइनस ऑफ m अपॉन 1+2m² जिसको भी हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा m इज इक्वल टू -1 एंड -1/2। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास m की चार डिफरेंट वैल्यू आ गई हैं और हमने अपने क्वेश्चन में फर्स्ट लाइन के स्लोप को m माना था यानी कि अगर हम कोई भी m की यहाँ से एक वैल्यू लेते हैं तो सेकेंड लाइन के लिए उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यदि हम m1 को यानी कि m को 1 ले तो हमें m2 जो कि सेकेंड लाइन का स्लोप है वह मिलेगा 2। तो इस तरीके से हम चार डिफरेंट वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि कुछ इस प्रकार आएंगी।